नमस्कार प्रिय छात्रा, मैं पीसी मेघवाल, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल। आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स सेकंड सब्जेक्ट कोड EE 306 में फर्स्ट यूनिट इंडक्शन मोटर में बलगुण, फिसलन, वक्र यानी टॉर्क स्लिप कर्व का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में टॉर्क इंडक्शन मोटर के टॉर्क के बारे में पढ़ा है। हम जानते हैं कि टॉर्क टी इक्वल टू कांस्टेंट के फ्लक्स फाई स्लिप एस इन रोटर इंड्यूस ईएमएफ E2 रोटर रेजिस्टेंस R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस एक्स एस होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से दिया जाता है। जब E2 और R2 कांस्टेंट हो तब टॉर्क प्रोपोर्शनल टू S अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S x होल स्क्वायर से दिया जाएगा। डायग्राम में टॉर्क स्लिप कर्व को दिखाया गया है। जब स्लिप s इक्वल टू 0 होगा तब टॉर्क 0 होगा, अतः टॉर्क स्लिप कर्व डायग्राम में दिखाए अनुसार ओ बिंदु यानी जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं से स्टार्ट होगा। जब स्लिप बहुत कम हो अर्थात रोटर की चाल लगभग सिंक्रोनस स्पीड हो, इस स्थिति में एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर का मान बहुत कम होगा जिसे छोड़ा जा सकता है। इसलिए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन R2 स्क्वायर होगा। यदि R2 स्थिर है यानी कांस्टेंट है तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस होगा। इसलिए जब स्लिप एस बहुत कम होता है तो टॉर्क स्लिप कर्व एक सरल रेखा होगी। अतः चित्र में दिखाए अनुसार बिंदु ओ से एक स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है। जैसे जैसे स्लिप बढ़ती है टॉर्क भी बढ़ता है। और अधिकतम टॉर्क जब R2 इक्वल टू एस एक्स टू या एस बराबर R2 अपॉन X2 होगा तो इस पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। इस टॉर्क को ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क कहते हैं। जैसे ही स्लिप का मान और बढ़ता है तो R2 स्क्वायर एस एक्स टू होल स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य माना जा सकता है।
इस स्थिति में टॉर्क प्रोपोर्शनल एस अपॉन एस एक्स टू होल स्क्वायर या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एस एक्स टू स्क्वायर होगा। यदि एक्स टू स्थिर है तो टॉर्क प्रोपोर्शनल वन अपॉन एस होगा। अतः टॉर्क स्लिप कर्व आयताकार अति प्रबल यानी हाइपरबोला होगी। यदि स्लिप को और बढ़ाया जाए तो टॉर्क बढ़ने की अपेक्षा घटने लगेगा और मोटर अकस्मात रुक जाएगी। चित्र में बलगुण गति वक्र दिखाया गया है। यह टॉर्क क्लिप कर्व के ठीक विपरीत होता है, क्योंकि जब मोटर रोटर स्थिर होती है तो स्लिप अधिकतम होती है और रोटर की चाल बढ़ने के साथ साथ स्लिप घटने लगती है और सिंक्रोनस स्पीड पर स्लिप शून्य हो जाती है। अतः ये स्पष्ट है कि मैक्सिमम टॉर्क रोटर प्रतिरोध से स्वतंत्र है, यानी रोटर प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं, पुल आउट टॉर्क रोटर प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है। परंतु स्थिति जिस पर अधिकतम बलगुण विकसित होता है रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करती है, इसलिए प्रारंभ के समय उच्च बलगुण प्राप्त करने के लिए रोटर प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। परंतु चालू स्थिति में अधिकतम बलगुण विकसित करने के लिए रोटर प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए। इस सिद्धांत का उपयोग स्लिप रिंग मोटर में किया जाता है। स्टार्टिंग के समय स्लिप रिंग मोटर के रोटर में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़कर हाई टॉर्क किया जाता है और तत्पश्चात चालू हालत में रोटर प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिया जाता है। स्क्वायरल केज मोटर में स्टार्टिंग के समय कोई अतिरिक्त प्रतिरोध रोटर परिपथ में संयोजित नहीं किया जा सकता, जिससे उसका प्रारंभिक बलगुण न्यूनतम होता है। टॉर्क स्लिप का जब ए स्लिप जीरो होगी तो टॉर्क जीरो होगा। इसी स्थिति में टॉर्क स्लिप पर एक स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ व्हेन स्लिप बहुत ही कम होगी यानी वेरी स्मॉल है। इसी स्थिति में रोटर की चाल एन लगभग सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी। इस स्थिति में एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर का मान कम होगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इस स्थिति में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन आर टू स्क्वायर होगा और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप होगा यदि आर टू कॉन्स्टेंट है। तो टॉर्क स्लिप का रो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब यदि स्लिप का मान बढ़ता है तो टॉर्क का मान भी बढ़ेगा। व्हेन एस इक्वल टू आर टू अपॉन एक्स टू होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और इस टॉर्क को ब्रेक डाउन टॉर्क और पुल डाउन टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस आर टू पर डिपेंड नहीं करता है। मैक्सिमम टॉर्क को डायग्राम टॉर्क स्लिप डायग्राम में दिखाया गया है। अब यदि मैक्सिमम टॉर्क के बाद में
स्लिप को और बढ़ाया जाता है तो टॉर्क बढ़ने की बजाय टॉर्क घटना शुरू होता है। इस स्थिति में रोटर रेजिस्टेंस आर टू एस एक्स टू से बहुत कम होगा और आर टू को नगण्य लेने पर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन एस एक्स टू होल स्क्वायर होगा और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एस होगा इफ एक्स टू कॉन्स्टेंट है। इस स्थिति में टॉर्क स्लिप कर्व हाइपरबोला यानी आयताकार अति परवलय होगा। अब यदि एस को स्लिप को और बढ़ाया जाता है तो टॉर्क कम होगा और मोटर रुक जाएगी। जब स्लिप का मान एक होगा तब रोटर स्पीड एन इक्वल टू जीरो होगा। रोटर स्पीड एन के इंक्रीज होने पर स्लिप घटता है। स्लिप रिंग मोटर में स्टार्टिंग के समय हम रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं यानी आर टू को बढ़ा सकते हैं, इसलिए स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। रनिंग कंडीशन में स्लिप रिंग मोटर में ऐड किए गए एडिशनल रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं जिससे मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। स्क्वायरल केज मोटर में आर टू फिक्स रहता है, आर टू को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्मॉल होता है। थैंक यू।